भारत की जीत के साथ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल में हुआ बहुत बड़ा उलटफेर। पाकिस्तान और इंग्लैंड हो गया बाहर। अब पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है। दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस साल होने वाला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में इंडिया और साउथ अफ्रीका खेलते हुए नजर आएंगे या फिर दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया होगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं कि कैसे आईसीसी टेस्ट चैंपियन फाइनल इंडिया खेलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार 132 रनों से यह मैच जीत लिया है। पहले रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक दो नहीं पांच विकेट लिए, फिर रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 120 रन ठोक डाले, कप्तानी पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया। वहीं तीसरे नंबर पर रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया और फिर चौथे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन ने। भारतीय टीम ने पहले टेस्ट के मुकाबले में तीसरे दिन ही मैच को 132 रनों से जीत लिया। आपको बता दें दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया टीम इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने आया और पहली पारी में महज 170 रन बना सके, उसके जवाब में इंडियन टीम 400 रन बना दिए। आपको बता दें दोस्तों कि इसमें सबसे बड़ा हीरो रहा रविचंद्रन अश्विन ने, इस मैच को जिताया। रविचंद्रन अश्विन ने लास्ट दिन यानी कि तीसरे दिन पाँच विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियन टीम को कमर तोड़ दिया और एक पारी और 132 रनों से भारतीय टीम जीतने में कामयाब रहा। आपको बता दें दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 132 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने चार मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। नागपुर में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 170 रन बनाए थे, इसके जवाब में भारत ने 400 रन का स्कोर खड़ा किया, 223 रन की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 91 रन पर सिमट गई और मैच की पारी से 132 रन से हार गई। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रन से हरा दिया है। मोहम्मद शमी ने स्कॉट बोलैंड को आउट कर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी और 91 रन पर समेट दी। उन्होंने बोलैंड को विकेटों के सामने फंसाया। दूसरे छोर पर स्टीव स्मिथ 25 रन बनाकर नवाज रहे। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने चार टेस्ट की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। भारत के लिए रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने इस मैच के हीरो रहे। जडेजा 7 विकेट लिए और 70 रन बनाए, वहीं अश्विन ने 23 रन बनाए, 7-8 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरे मैच में कोई खिलाड़ी 8 शतक नहीं लगा सका। हालांकि गेंदबाज मेट टोड मर्फी ने अपने डेब्यू मैच में 7 विकेट लेकर शानदार शुरुआत जरूर की। आपको बता दें दोस्तों कि यह मैच जीतकर इंडिया ने इतिहास रच दिया और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और आप भी चाहते हैं कि इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो 7 जून को होने वाला है उसको इंडिया जीते, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में और भी विस्तार से बात करते हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। 2 रन के स्कोर पर दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद लबुसेना और स्मिथ ने 82 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला, लेकिन जडेजा लंच के बाद अपना कहर बरपाया। उन्होंने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेल दिया। अश्विन ने भी 3 विकेट लिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम 170 रन पर सिमट गई। मार्नर लबुसेन ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में शानदार शुरुआत की और रोहित राहुल ने पहले विकेट के लिए 76 रन जोड़ दिए। इसके बाद लोकेश राहुल 20 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा एक छोर पर जमे रहे। पुजारा कोहली और सूर्य कुमार सस्ते में आउट हुए, पर रोहित ने भारत को मैच में ऑस्ट्रेलिया से आगे रखा। आपको बता दें दोस्तों सूर्य कुमार डेब्यू करते हुए ये सबसे घटिया परफॉर्मेंस था। वह रोहित शर्मा 120 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 70 और अक्षर पटेल ने 84 रन की अहम पारी खेली। अंत में शमी ने 37 रन बनाकर भारत को अहम बढ़त दिलाई। पहली पारी में भारत को 223 रन की बढ़त मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया की हार लगभग तय हो गई थी और कंगारू टीम लड़ने का जज्बा भी नहीं दिखा पाया। मैच के तीसरे दिन दूसरे सत्र में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी हुई और एक सेशन में ही पूरी टीम 32-3 ओवर में 91 रन पर सिमट गई। स्टीव स्मिथ एक छोर पर 25 रन बनाकर नाबाद रहे। 17 रन बनाने वाले लबुसेन की दूसरे सर्वश्रेष्ठ स्कोर थे। भारत के लिए अश्विन ने 5 और जडेजा शमी ने 2-2 विकेट लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का परफॉर्मेंस देख के ये लग रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही WTC का फाइनल होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों WTC का फाइनल अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ना हुआ तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पक्का होने वाला है, क्योंकि WTC का फाइनल जो है इसी साल 7 जून को होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये मैच जीत करके इंडिया ने इतिहास में नाम अपना दर्ज कर लिया है। रोहित शर्मा का कप्तानी में ये पहला जीत है। आपको बता दें दोस्तों कि इस मैच में रविचंद्रन अश्विन ने 25 बार अपने सरजमी पर 5 विकेट लेने का कारनामा हासिल किया है, जो कि किसी भी भारतीय द्वारा ये सबसे ज़्यादा है। इससे पहले अनिल कुंबले के नाम ये रिकॉर्ड था, अब ये रिकॉर्ड
अश्विन के नाम हो गया है। आपको बता दें दोस्तों कि ये रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है अश्विन इतिहास में। और दूसरा रिकॉर्ड अश्विन का ये है दोस्तों, 31 बार 5 विकेट लेकर के रविचंद्रन अश्विन ने अनिल कुंबले का बराबरी कर लिया है और अनिल कुंबले का रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। कहीं ना कहीं अगर अश्विन 5 साल खेल जाता है और तो सभी का ये कहना कोई वो नहीं होगा कि मुतैया मुरलीधरन और अनिल कुंबले का भी रिकॉर्ड ये तोड़ सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।